कपोत इव दीन भी। ये बात कहाँ से सीखी? बोले दीन बुद्धि संसार में फंसे हुए कबूतर से ये बात सीखी। तो महाराज, संसार में फंसा हुआ कबूतर कौन सा था? ये तो महात्मा लोग हैं ना, जंगल में घूमते कहीं किसी पेड़ के नीचे रह गए होंगे महाराज, महीने दो महीने चार महीने, वहाँ देख लिया। कपोत कच्चनारण्ये कृतनीदो वनस्पत कपोत्या भार गया सार्धम उदास कतिचित समाह। बरसों की बात है, एक कबूतर था, उसने एक घोर जंगल में बहुत बड़े पेड़ पर अपने लिए घोंसला बनाया था। उसकी पत्नी थी धर्म पत्नी कबूतरी, और कई वर्षों तक वो दोनों साथ ही साथ उस पर रहते थे। कपूत स्नेह गुणित हृदय गृह धर्मिण दृष्टि दृष्टियांगमंगे न बुद्धि बुद्धिया बबंधक हूँ। कैसे थे वो दोनों गृहस्थ पति पत्नी? स्नेह गुणित हृदय, दोनों का दिल बड़ा बड़ा था। कहिए बड़प्पन उनके दिल में कहाँ से आया था? स्नेह से। स्नेह जो है वो हृदय को बड़ा कर देता है, और द्वेष जो है वो दिल को छोटा कर देता है। तो स्नेह से गुणित है माने बढ़ गया है हृदय दिल का, ऐसे ये दोनों थे। और अपने धर्म का पालन करते थे, गृह धर्म गृहस्थ धर्म का पालन करते थे। जितना प्रेम था उनमें, स्नेह की बात बताते हैं। दृष्टि दृष्टियांगम अंगेन बुद्धि बुद्धिया प्रबंधक हूँ। उन्होंने आंख से आंख, शरीर से शरीर, बुद्धि से बुद्धि, जब देखो जब दोनों के स्रोत मिले हैं, शरीर से शरीर सटी है, दोनों की आंख परस्पर मिली है, और दोनों एक ही ढंग का विचार करते, जो वो सोचता वही वो भी सोचती, जो वो सोचती वही वो भी सोचता, दोनों की बुद्धि एक में मिली, दोनों के अंग एक में मिले, दोनों की दृष्टि एक में मिली, बाखी बांध करके रहते थे महाराज, दोनों के विचार भी कोई फर्क ही न पड़े। एक रास्ते चले, एक साथ कटे रहे, एक ढंग का विचार करें। सैयासनासन स्थान वार्ता सुदासनाभिपू, सैयासनासन स्थान वार्ता सुदासनाभिकम निपुनी भूय विप्रभु वनराज। एक साथ सोए, एक साथ बैठे, एक साथ टहले, एक ही दोनों का स्थान, एक ही व्यवहार करें, आपस में बातचीत करें, एक साथ ही खेले, एक साथ ही खाए, सारे काम उनके एक साथ मिल के होते थे, और किसी के मन में किसी के प्रति कोई शंका नहीं थी, और खूब जंगल में दोनों रूते थे निशंक होकर के, विश्रप्त माने निशंक, विश्वस्त, एक का दूसरे पर खूब विश्वास था, माने उनकी गृहस्थी बहुत सुखी थी, विश्वास में ही सुख है। दोनों पति पत्नी सुंदर हो, अच्छे कपड़े लत्ते पहनते हो, समाज में दोनों की इज्जत हो, और दोनों बहुत बढ़िया समझे जाते हो, लेकिन महाराज आपस में दोनों में विश्वास न हो, तो वो समझो बस गाड़ी में आग रखी हुई है, जल रहा है, जल रहा है, जल रहा है। यंजम वांछति साराज स्पर्पयन्ति अनुकंपिता तम तम समनयत कामम तृप्तरेणाद्य जितेन्द्रिय। वो अपने पति को तृप्त रखते थे, और पति अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था, जो जो इच्छा होती पत्नी के मन में, बहुत कष्ट उठा करके भी वो अपनी पत्नी की इच्छा को पूर्ण करता था, और दूर दूर से बीज ला करके उसकी कामना को पूर्ण करता था। उसकी इंद्रियां अपने वश में नहीं थी, वो भोग कामुक था, भोग में संलग्न रहता था। कपूती प्रथमं गर्भं गृह्णति काल आगते अंडानि सुषुवे नीदे स्वपत्युत्पन्नौषधि।
कबूतरी को गर्द रहा पहला। समय जब आया तब उसने अपने घोंसले में अंडे दिए और उस समय उसका पति भी वहाँ मौजूद रहा कि हमारी पत्नी को अंडे देने में कोई कष्ट नहीं होए, कोई तकलीफ भी नहीं होए। तेषु कालेषु जायन्तो रचिता व्यवहारे शक्तिभिः दुर्दुहाभ्याभिः गोमलांग तनूरुहा। उन अंडों में समय आने पर ऐसे नन्हे मुन्ने बच्चे पैदा हुए भगवान की अनिर्वचनीय शक्तियों ने उनको बनाया था। एक एक अंग कहाँ उनके चोंच हैं, कैसे रोए हैं, कैसे उनके पंजे हैं, कैसा पेट, कैसा पंख, सब उनमें से इसी उन्हीं अंडों में से महाराज नन्हे मुन्ने बच्चे निकले आए। भगवान की शक्ति क्या आश्चर्यमयी है, कोई समझ नहीं सकता। कोमल कोमल उनके अंग, कोमल कोमल रोए, बड़े बढ़िया अवयव बने, देख कोई समझ नहीं सकता कि भगवान की शक्ति इसका निर्माण कैसे करती है। प्रजा सुपुषतु प्रीतौ दंपति पुत्र वत्सलौ श्रृणवंतौ पूजितं तासां निर्वृतौ कलभाषितैः। अब वो दोनों पति पत्नी बड़े ही आनंदित हुए और दोनों के बीच में और प्रेम का एक बंधन जुड़ गया। उस संतान के प्रति दोनों की बड़ी भारी प्रीति, दोनों प्रजा का पोषण करने लगे। जब वो कलकल बोलते, कलरव करते, चाहते वो पक्षी के बच्चे, तो वो बड़े प्रेम से सुनते और उनकी वो तोतली बोली सुन करके उनके कल पूजित से उनको बड़ा आनंद होता। तासाम सपत्री सुस्पर्शी पूजित मुग्ध चेष्टित प्रत्युदगमयी हरीनाम वितरऊ मापतु। अब वो जो संतान थी उनके पंख बड़े कोमल कोमल, जब छुए अपने माँ बाप को तो माँ बाप को रोमांच हो जाए। उनकी बोली, उनकी वो बोली भाली चेष्टाएं और वे पत्ती के साथ कान के साथ अपने माँ बाप की अगवानी करें, दोनों को बड़ा आनंद हो गए। जब वो घोंसला में लौट करके आवे बड़ा आनंद हो गए उनको। स्नेहानुबद्ध दया अन्योन्यम विष्णु माया विमोहित दीन धियौ शिशुन कुकु चतुप्रजा। दोनों का दिल प्रेम से बना हुआ था एक दूसरे के प्रति। भगवान की माया ने दोनों को मोहित कर रखा था। दोनों की बुद्धि तीन हो गई थी, हम तो इन बच्चों के बिना रह ही नहीं सकते, और वे अपनी सारी शक्ति लगा करके उन्हीं संतानों के पोषण में लगे हुए थे। एकदा जन्मतुस्तासाम अन्नार्थम तौ कुटुम्बिनौ परितक्तानने तस्मिन् अर्थिनौ चूर दुश्चिरम् दृष्ट्वा सांगुप्तलुब्ध कश्चित् यदृच्छातो वनीचरः जगृच्छे जालमातस्य चरतस्वालयान्तिके। थोड़े दिनों के बाद क्या घटना घटित हुई, अब तो बच्चे बहुत हो गए थे घर में और अभी वे चारे के लिए बाहर जा नहीं सकते थे, तो दोनों पति पत्नी उनके चारे के लिए बाहर जाते थे स्वयं भी उनको खाना और अपने बच्चों के लिए लाना। तो दूर दूर तक वो जंगल में चारे के लिए घूमते थे और देर देर तक घूमते थे। तो एक दिन कोई शिकारी आया बहेलिया, ईश्वर की ऐसी इच्छा, ऐसा ही उनकी किस्मत समझो। वन में घूमता घूमता आ गया वहाँ और देखा कि घोंसले के आसपास नन्हे मुन्ने बच्चे कबूतर के चर रहे हैं, तो उसने अपना जाल फैला दिया और जल जाल फैला के पकड़ लिया। कपोतश्च कपोती च प्रजा पोषे सबोत्सुक गतौ पोषणम आवाय स्वनिजमुत जगमतुः। अब कबूतर और कबूतरी, कबूतरी दोनों अपने बच्चों को खिलाने के लिए तो सदा उत्सुक रहते ही थे और उसी के लिए बढ़िया चारा लेने के लिए दूर गए थे और देर से लौटे। जब वो पोषण लेकर के अपने घोंसले में आए तो क्या देखते हैं कि कपूती स्वात्मदान वीक्ष्य बालकान जाल संवृतान तान अभ्यधाव क्रोशंती क्रोशतो वृष दुखिता। कबूतरी की नजर पहले गई बच्चों पर, देखा कि उसके बालक को जाल में फंसे हुए हैं।
वो तो चिल्ला पड़ी, बच्चे भी चिल्ला रहे थे। अत्यंत दुखित हो करके वो बच्चों के पास दौड़ गई। साफ सकृत स्नेह गुणता दीन चित्ता जमाया स्वयं चाध्यपिता बद्धान पश्यंत्यपस्मृति। अब तो बारंबार स्नेह का उसके हृदय में अभ्यास और भी स्नेह बढ़ गया, उसका चित्त दीन हो गया। भगवान की ऐसी माया देख रही है कि हमारे बच्चे जाल में फंसे हुए हैं, फिर भी इसका ध्यान उसको नहीं रहा। जिस जाल में बच्चे फंसे हुए थे उसी में वो घुस गई और स्वयं जाल में फंस गई। कपूतश्चात्मजान बद्धान आत्मनो यतिकान प्रियान भार्याम चात्म समान दीना दीनो विललापा विगुस्त। अब कभी समुद्र को बड़ा दुख हुआ, उसने देखा कि उसके बच्चे जो अपने शरीर से भी ज्यादा प्यारे हैं, बढ़ के हैं, अपने शरीर से भी बढ़ के हैं और प्यारे हैं। तो ऐसे बच्चों को देख करके और अपने ही समान जो पत्नी है वो भी फंस गई, ये देख करके अब तो वो दीन हो गया और विलाप करने लगा। वो कबूतर क्या विलाप करने लगा, अहो मे पश्यता कायम अल्प पुण्यस्य दुर्मते है अकृतस्याकृतार्थस्य क्षत्रैवर्जितो हतः। हाय हाय, देखो मेरा तो सत्यानाश हो गया, मैं कितना बदकिस्मत हूँ, मेरा प्रारब्ध ही बिगड़ा है, मेरे पुण्य समाप्त हो गए हैं और मेरी बुद्धि भी बिगड़ी हुई है, दुर्मति हूँ मैं। अभी तो मुझे संसार का सुख भोगने से तृप्ति भी नहीं मिली थी और अपने काम मैंने पूरे भी नहीं किए थे, इतने में देखो ये हमारा भार भार काम जिसमें सब सुख मिलते हैं, कर्म करना चाहो कर्म करो, भोग करना चाहो भोग करो, धन कमाना चाहो धन कमाओ, वो हमारा गृहस्थ आश्रम ही सारा नष्ट हो गया। देखो ना हमारी पत्नी कैसी अनुरूप थी, जैसा मैं वैसी मेरी पत्नी, और अनुकूल हमेशा हमारे मन के अनुसार चलती थी और मुझ पति को ही देवता मानती थी। अब वो अपने सज्जन पुत्रों के साथ स्वर्ग में जा रही है और मैं इस पूरे घर में अकेला ही छूट रहा हूँ। तो हम शून्य गेह दीनो मृतदारो मृत प्रज जीवी से किमर्थम्बा जुगुरो दुख जीवित। अब पुत्र भी गए और पत्नी भी गई और ये सूना घर, मैं बेचारा गरीब अकेला, पत्नी मरी बच्चे मरे, अब मैं किस लिए जीना चाहता हूँ। जुगुरो दुख जीवित, क्योंकि जुगुर का जीवन बड़ा दुखी होता है। सांसवावृतान सिद्धिर मृत्यु ग्रस्तान विशेषत स्वयं कृपणाम शिक्षु पश्यन्नत्यभूतोपतत। देख रहा है वो कबूतर कि हमारे बच्चे जाल में फंसे हुए हैं, अब मौत उनको खाए जाने वाली है, तड़फड़ा रहे हैं। विशेषता माने तड़फड़ा रहे हैं और स्वयं उसकी पत्नी बेचारी गरीब मरी जा रही है, ये देखता हुआ भी वो मूर्ख उसी जाल में खुद कूद पड़ा। तम लब्ध्वा मुद्धत क्रूरः कपोतम गृह में दिनम कपोतकान कपोती सिद्धार्थ प्रयोगियम। अब तो शिकारी की बनी आई, अब उस कबूतर को प्राप्त करके वो क्रूर उस गृहस्थ कबूतर को तो अपने हाथ में लिए ही, कबूतरी को भी ले लिया, उसके बच्चों को भी ले लिया और बड़ा खुश हुआ कि बस बस आज हमारा काम पूरा हो गया, और वो कृतकृत होकर के अपने घर के लिए लौट गया। ये कहते हैं कि शिकारी जो है जिसको काल का रूपक दिया हुआ है, ये शिकारी कौन है, काल है। और कबूतर कबूतरी बच्चे, अब ये आप लोग अपने ऊपर को मत जताना है ना, हाँ इसको तो कबूतर के लिए ही रहने देना है। लेकिन कहने वाले का मतलब ये है कि ये संसारी लोग जो हैं वो कबूतर कबूतरी और बच्चे है ना जैसे हैं वैसे, और ये संसार की जो आसक्ति है उसमें फंसे हुए हैं और चारों ओर से रोग का शोक का मोह का जाल फंसा हुआ है और उसमें रोग योग ये सब आते ही रहते हैं।
मुख्य ही दशा प्रतिनिधि लोगों की है। अब उदाहरण देते हैं, अब ये उदाहरण समझा करके दृष्टांत दे करके अब एक दृष्टि गृहस्थों पर भी डालते हैं। एवं कुटुम्ब शांतात्मा द्वंद्वा राम कतत्रियत कृष्णन कुटुम्बम कृष्ण सब जो मत मंदिर बना करके बैठे हुए लोग हैं, जिन्होंने जीविका का साधन जोड़ रखा है, जिनके पास मादक द्रव्य है, रुपया मादक द्रव्य है, बड़ा नशा होता है, हमारे बराबर कौन है, हमारे पास इतना है, और फिर यही देखते हैं रात भर चौकसी करते हैं तिजोरी की, और कहते हैं कि हम निष्काम भाव से पहरा देते हैं, रात भर तिजोरी की चौकसी करेंगे और फिर उस पर बनेंगे ये कि हम तो बिल्कुल निष्काम भाव से इसका पहरा दे रहे हैं। तो इस तरह से कुटुम्बी जो पुरुष हैं, चाहे किसी भी देश में हो भाई, अशांतात्मा, उसके मन में शांति नहीं होती है। द्वंद्वा राम, ये हमारे साथ रहे तो आराम है, ये हमारे साथ रहे तो मजा है, दो को मिल करके आनंद लेते हैं, उनकी दशा क्या है, ऐसी चिड़िए की तरह है। कृष्णन कुटुम्बम कृपण सानुबंधो वीदती, कुटुम्ब के पोषण में लगा हुआ है, छोड़ सकता नहीं, कृपण है, अंत में खुद तो खुश है, जिनके लिए वो अपनी जिंदगी मुक्ति में मिलाता है उनके साथ दुखी होता है। यह प्राप्य मानुषम लोकम मुक्ति द्वार अमावृतम गृह सुख सत्ता समारूढ़ विदु। अब बताते हैं कि जिसको मनुष्य शरीर मिल गया है, ये मनुष्य शरीर हंसने के लिए नहीं बना है। ईश्वर मिलने का बस एक ही स्थान है 84 लाख जोड़ियों में, जिसमें मनुष्य ईश्वर को प्राप्त हो सकता है। प्रकृति ने पुरुष को, प्रकृति ने मनुष्य को खड़ा कर दिया है, और खड़ा करने पर भी पेड़ की तरह खड़ा नहीं किया, गतिशील बनाया, चल सकते हो, खड़े हो और चल सकते हो, दो हाथ दे दिया काम करने के लिए, जरूरत हो तो किसी को पकड़ भी सकते हो, दिल दिया, दिमाग दिया, ऐसी जगह पहुंचा दिया अपने राज्य में जिसके ऊपर दूसरा कुछ नहीं। ये बात बिल्कुल युक्ति से सिद्ध है कि मनुष्य जो खाता है वो ऊपर से नीचे जाता है, और पेड़ जो खाता है वो नीचे से ऊपर जाता है, माने पेड़ को ऊपर जाने की गुंजाइश है, लेकिन मनुष्य को अब स्वयं ऊपर जाने की गुंजाइश नहीं है कि प्रकृति उसको देवता बना देगी। बोले अब इसकी बात को करोगे तो पाओगे, साधन करोगे, भजन करोगे, ज्ञान प्राप्त करोगे, तब आगे बढ़ोगे, अब ईश्वर को पकड़ो तब ऊपर बढ़ोगे। प्रकृति जहां तक तुमको पहुंचाना चाहती थी, जहां तक प्रकृति की शक्ति है उसने वहां तक पहुंचा दिया। जैसे पशु पक्षी आगे खाते हैं पीछे जाता है उनका आड़ा, पशु पक्षियों की गति जो है वो आड़ी है, और वृक्ष की गति ऊर्ध्व है, और मनुष्य की गति अधा है। तो आप प्रकृति पर अपने को छोड़ दोगे कि प्रकृति हमें उन्नति दे, तो प्रकृति तो अब नीचे नहीं जाएगी, अब पशु बनावेगी, अब पक्षी बनावेगी, अब पेड़ पौधा बनावेगी, अब प्रकृति तुम्हें नीचे ले जाएगी। अब तुम ईश्वर को पकड़ करके यहाँ ऐसी जगह आए हो, एक झपट्टा मारो और प्रकृति के घेरे को छोड़ करके ईश्वर को प्राप्त कर लो। यह प्राप्त मानुषम लोकम, ये मनुष्य शरीर क्या है, मुक्ति द्वार अपावृतम, खुला हुआ मुक्ति का दरवाजा है, खुला हुआ मुक्ति का दरवाजा। एक महात्मा बताते कि एक बार एक आदमी को एक चार दीवारी के घेरे में डाल दिया गया, 84 फुट की चार दीवारी और घेरे में डाल दिया, और एक दरवाजा उसमें, और आदमी लंबा, उससे कह दिया कि देखो हाथ से दीवार पकड़े पकड़े चले जाओ, जहाँ दरवाजा मिले वहां निकल जाना। अब वो महाराज दरवाजे पर पहुंचा, लेकिन बदकिस्मत ऐसा
कि खुजली आ गई है ना। वो दोनों हाथ से खुजलाने लगा और चलता रहा, दरवाजा दूट गया, फिर दीवार पकड़ा और फिर घूमते घूमते फिर 84 लाख जाओ। तो ये मनुष्य योनी जो है ये 84 लाख योनियों में से निकलकर परमेश्वर पूर्णता जिसको बोलते हैं, पूर्ण सच्चिदानंद घन, अखंड सच्चिदानंद घन, अद्वितीय परमात्मा की प्राप्ति का ये खुला हुआ दरवाजा है। अब इसमें आकर के गृहेषु भगवत सत्तः, घर में आके कैसे फंसे, बोले पक्षी की तरह, चिड़िया की तरह। जब पक्षपात आता है मन में तब आदमी पक्षी हो जाता है। जिसके मन में पक्ष है वो पक्षी, जहाँ पक्ष समाया, अपना पराया, मेरा तेरा, ये वो, जाति का पक्ष होता है, परिवार का पक्ष होता है, संप्रदाय का पक्ष होता है, गांव का पक्ष होता है, जहाँ पक्ष समाया वहाँ पक्षी हो गए। समारूढ़ बड़े ऊंचे पर आकर के मनुष्य के रूप में आकर के चुत हो गए, गिर गए, समारूढ़ इस तरह ये सातवां अध्याय पूरा हुआ। अब आठवां अध्याय प्रारंभ करते हैं। अब अजगर से जो सीखा है उसकी चर्चा करते हैं। ब्राह्मण उवाच, दत्तात्रेय जी को श्रीमद् भागवत में ब्राह्मण कहकर बोलते हैं। वो दत्तात्रेय जी का नाम श्रीमद् भागवत में ब्राह्मण है। ब्राह्मण माने ब्रह्म ज्ञानी है। ब्राह्मण उवाच, सुखमैन्द्रियकं राजन् स्वर्गे नरकैव च, देहिनां यद्यथा दुःखं तस्मान्नेच्छेत तद्बुधः, ग्रासं सुमृष्टं विरतं महान्तं शोकमेव वदा, जदृच्छैव पतितं व्रतेदाजगरो प्रियः। अजगर दृष्टि से रहना, ये महात्मा का नाम अजगर मुनि था। हो अजगर मुनि, अजगर मुनि माने अजगर की तरह पढ़ रहे थे। तो अब ये तो अवधूत वाली बात बता रही है। ब्राह्मण बात है, इसके दृष्टिकोण ही दूसरा है। परमार्थ की प्राप्ति के लिए जो व्यक्तित्व के उत्कर्ष की चरम सीमा है निरपेक्षता, उसका इसमें वर्णन है। और भौतिक दृष्टिकोण से जो उन्नति होती है, हमारे पास इतना है ना, इतना सोना, इतनी ऊंची कुर्सी, इतनी इज्जत है, इतनी प्रतिष्ठा, देश का इतना आदर, वो सब तो महाराज पारमार्थिक दृष्टिकोण से बड़ा नहीं है ना। महात्मा लोग तो ऐसे कहते हैं कि देखो भाई, मुर्दे पर चाहे जितना फूल चढ़ाओ और जितनी माला चढ़ाओ, ईसाइयों में रिवाज है ना, ईसाइयों में रिवाज है मुर्दे पर, जिंदा जिंदा तो उतनी माला नहीं पहनाते हैं और उतना फूल नहीं चढ़ाते हैं। जब वो मर जाता है, स्मशान जाने लगता है, तो बहुत फूल बहुत माला चढ़ाते हैं। तो भाई मुर्दे पर चाहे जितना फूल चढ़ाओ और जितनी माला पहनाओ, आखिर है तो वो मुर्दे का मुर्दा ही ना। तो इसी तरह से संसार में जिन चीजों को बहुत बड़ी माना जाता है ना, पारमार्थिक दृष्टि से उसे उनको उतना ही छोटा माना जाता है। बोले इनके पास बहुत धन है, बोले ज्यादा पैसे है, बहुत बच्चे, बोले बहुत परेशानी है ना, बोले बहुत इज्जत, कर लोगों का ख्याल रखना पड़ता होगा भाई, बहुत दिन भर दिमाग में हजारों आदमी रहते होंगे, बोले बहुत ऊंचा होगा, तो बहुत बड़ी फिक्र। तो पारमार्थिक दृष्टिकोण से संसार में जिन बातों को बहुत बड़ी माना जाता है ना, उसके भीतर जूते से गोलन गोल निकलती है। तो बोले बड़े भारी पंडित तो दुनिया भर का जंजाल है ना उनके दिमाग में, दुनिया भर का फिदूर उनके दिमाग में घुसा हुआ है। आखिर तो विक्षेप ही है ना। सारे शास्त्र की स्मृति जो है, अगर तुम्हें समाधि लगानी है तो स्मृति का निरोध करना पड़ेगा,
और परमात्मा का स्मरण करना है तभी स्मृति का निरोध करना पड़ेगा। बोले बड़े विचार बड़ी बुद्धि है, इसका अर्थ है कि अभी अखंडाकार वृत्ति उदय नहीं हुई, नहीं तो विचार इतनी वृत्ति की क्या जरूरत थी। अरे बड़े निश्चयी, बोले अपने स्वरूप के बारे में निश्चय की क्या जरूरत है, अविद्या की निवृत्ति के लिए निश्चय की जरूरत थी। अब निश्चय पकड़ करके बैठोगे तो निश्चय अंतकरण में होता है, और उसको पकड़ करके बैठ गए तो निश्चय वान है, माने अंतकरण वान है, अंतकरण की उपाधि नहीं छूटी, जीव हो गए। तो संसार में जिन बातों को बहुत बड़ा बड़ा मानते हैं परमार्थ की दृष्टि से तो बहुत छोटी होती है। तो ये है अवधूत का दृष्टिकोण बना। हर व्यक्ति को ये समझना चाहिए कि महात्मा लोगों का दृष्टिकोण कैसा होता है। हाँ, उसको ये नहीं कि अजगर बन के बैठ जाना चाहिए, अजगर बन के बैठने के लिए बहुत ऊंची स्थिति प्राप्त करने की जरूरत पड़ती है। तो सुख न इंद्रिय कम राजन स्वर्गे नरक देवान या तो ये शरीरधारियों को जो इंद्रियों से सुख मिलता है, इंद्रियों को सुख मिलता है आप जानते ही हैं, और एक इंद्रियों के से जो भोग किया जाता है उसके संस्कार से सुख मिलता है। इसको दो भाग में कर ले ना, एक तो शब्द से, स्पर्श से, रूप से, रस से, गंध से, है ना, पैसा इकट्ठा होने से, गद्दे पर बैठने से, ऊंची कुर्सी पर बैठने से, और ये इंद्रियों से बाहर चीजों को देख देख करके आंख बंद करते हैं और भीतर उनका रस लेते हैं, है ना, उनको और बढ़िया बनाते हैं। बोले देखो बाहर वाली तो चली भी जाए, भीतर वाली जाने वाली नहीं है, बाहर की तो अनित्य है, भीतर की तो नित्य है, परंतु है उसमें इंद्रिय संस्कार रही। तो बोले ये इंद्रियों से होने वाला जितना सुख प्राणियों को मिलता है, क्या इस लोक में और क्या परलोक में, क्या स्वर्ग में, है ना, क्या स्वर्ग में और क्या नरक में, बोले वो कैसे मिलता है, तो जथा दुखा, जैसे दुख मिलता है वैसे सुख भी मिलता है। इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे हम लोग दुख पाने के लिए कोई साधन करते हैं, न दुख पाने के लिए उसी कुर्सी पर जाते हैं, न दुख पाने के लिए धन इकट्ठा करते हैं, न दुख पाने के लिए टिकट खरीदते हैं, कुछ नहीं। और ये मालूम हो जाए कि दुख आने वाला है तो उससे परहेज करते हैं कि नहीं, कि न आने पावे, कोशिश करते हैं कि दुख न आने पावे। तब भी महाराज ऐसा बैरंग पार्सल आता है दुख का, कोई उपाय करो वो तो दुख आ ही जाता है। तब भला बताओ ये भेजने वाला कौन है, जो तुम्हारे पूर्व कर्मों का फल दे रहा है वो तुम्हारे न चाहने पर भी, मना करने पर भी, परहेज करने पर भी, दवा दारू करने पर भी है, फिर भी बड़ी सावधानी से दुख तुम्हारे पास पहुंचा देता है, तुमको मालूम भी नहीं पड़ता और आ जाता है। बोले भाई जो दुख पहुंचाने में इतना सावधान है, जो तुम्हारे कर्म के फल रूप तुमको इतनी सावधानी के साथ दुख देता है, वो क्या तुम्हारे पुण्य कर्म का जब फल आएगा तब दबानेगा, जब दबाएगा नहीं, जरूर जरूर तुम्हें सुख भी देगा। तो ऐसी स्थिति में जब सुख और दुख की जिम्मेदारी लेकर के एक बड़ा सावधान, बड़ा बुद्धिमान, बड़ा शक्तिशाली बैठा हुआ है, जो बराबर तुम्हें दिन भर में कितनी बार सुख भेजता है और कितनी बार सुख भेजता है, उसके ऊपर सुख को भी छोड़ दो, उसकी इच्छा मत करो। रचना ने सुख दुख के रहस्य जानने वाले पुरुष को उसके लिए कोशिश नहीं करनी चाहिए, प्रयत्न नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो तो जैसे दुख आता है जिस रास्ते उसी रास्ते सुख भी आता है। तब कैसे ग्रासम सुमृतम दुरसम महांतम शोकम जदृशम ग्रते दागरो क्रिया, अजगर से मैंने ये सीखा है, बताते हैं, चाहे कभी मीठा ग्रास मिल जाए, मीठा भोजन मिले, और कभी महाराज मीठा न मिले कड़वाई मिल जाए, कभी बहुत मिल जाए, कभी थोड़ा मिल जाए, जैसा ईश्वर इच्छा से प्रारब्ध से तुम्हारे सामने आए गिरे
आप अपितम माने आर गिरे कौटी में संतोष करो, निष्क्रिय हो करके अजगर की तरह उसी में संतोष कर लो, भोग के लिए व्याकुल होने की जरूरत नहीं है। भोग के लिए, असल में मनुष्य भोग के लिए कहाँ व्याकुल होता है, पानी की कमी थोड़ी पड़ती है या नहीं, जैसा पानी वो पीना चाहता, सोडा वाटर की कमी होती है, पानी की कमी थोड़ी होती है ना, रोटी की कमी थोड़ी होती है, वो तो जैसी सब्जी जैसी दाल जैसी तंदूरी रोटी है, जैसी बढ़िया गेहूं की रोटी खाना चाहता है वैसी नहीं आती है, जो रोटी तो मिलती है। तो ये बात है, अब मनुष्य अपने ये सुख कर लेता है, ऐसी नहीं चाहिए ऐसी चाहिए, इतना नहीं चाहिए इतना चाहिए है? और बनाने वाला बगोले बनाने वाला काला नहीं गोरा चाहिए, बूढ़ा नहीं जवान चाहिए, और इसके लिए लोग रोते हैं। वो ग्रतिदागरो क्रिया चयिता हानि पूरी निराहारोनुपक्रम, अगर भोजन न मिले कोई विधि न बैठे तो अजगर कई दिनों तक सोता ही रहता है। यदि नो फल में ग्रासो, भोजन नहीं मिला नहीं मिला, माँ अजगर के समान शिष्ट माने कर्म के द्वारा अथवा ईश्वर के द्वारा जो भेजा हुआ है उसी का भोग करे। ओजस कहो बल दुतम विभ्रत देहम कर्म कम शयानो शीत निभ्रतवान, मन में शक्ति है इंद्रियों में शक्ति है और शरीर में भी शक्ति है। ओज सह और बल, मनोबल मनोबल भी है, चाहे तो मनोबल से प्राप्त कर ले, संकल्प करे कि हमारे पास ये चीज आवे तो आ जाए। ओजह कहो, इंद्रियों में भी बल है, पांव से चल के जा भी सकता है, देह में भी बल है, लेकिन फिर भी शरीर को निष्कर्म किए हुए बैठा है। ऐसा नहीं समझना कि जो का हम चाहे हम बैठ सकते हैं, ये ख्याल मत करना हो, काम करना आसान है और निकम्मा होकर के बैठना बहुत मुश्किल है। दो घंटे चार घंटे छह घंटे जब रह लोगे निकम्मा, तब मन में आएगा कि कुछ सुने दोने, और जब दो तीन दिन निकम्मा रह लोगे तब तो कोई तुमसे हाथ जोड़ के प्रार्थना भी करेगा कि लेते रहो, तब कहोगे कि नहीं नहीं हम उठ के चलेंगे। ये कर्म कर्म रजोगुण की जो प्रेरणा है ना शरीर में कर्म करने वाली, वो हमेशा तमोगुण में नहीं रहने देती है। तो ये अवधूत लोग तमोगुण में रह करके लेते नहीं रहते हैं, ये नहीं समझना कि तमोगुण में जैसे हम निद्रा में आलस में प्रमाद में घंटे दो घंटे रह जाते हैं, वैसे ही अभ्यास करके चौबीसों घंटे रहते होंगे, वो बात नहीं है। वो तो तमोगुण पर विजय प्राप्त करके रजोगुण पर भी जब विजय प्राप्त कर लेते हैं तब बिना हिले डुले रह सकते हैं। सयानो दीप निद्रस्त, लेते हुए हैं लेकिन नींद कभी नहीं जाती। हमारे चैतन्य का स्मरण होता रहता है अपने स्वरूप में, अपने स्वरूप में जागते रहते हैं, जागत होवत पड़े उतारे चाहे कबीर हम वही ठिकाने। तो सयानो जो जागृत सुसुप्तित हो, ये अनुष्ठ महापुरुष का लक्षण बताया, जो जागृत सुसुप्तित हो जो जीवन मुख्य उच्च है, जीवन मुख्य किसको कहते हैं, जो सुसुप्ति में स्थित होकर जागता रहता है, माने जैसे सुसुप्ति में प्रपंच की प्रतीति नहीं होती वैसे तो दुनिया की तो प्रतीति नहीं होती, और सुसुप्ति में जैसे चेतना का लोप हो जाता है वैसे चेतना का लोप भी नहीं होता। जाग रहा है पर कुछ देख नहीं रहा है। जो जागर सुसुप्ति हो यस्त जागृत न विद्यते, और जागृत अवस्था जिसमें है ही नहीं, वो निर्वासन हो जस्य, ज्ञान सबका है, ये स्त्री है ये पुरुष है, ये भोजन है परंतु वासना किसी की नहीं है। बोधो निर्वासन हो यस्य जीवन मुक्त उच्यते, आंख का काम है फूल को दिखाना कि लाल फूल
ये देवी कुल सामिज्ञान का काम है। आत्मज्ञान रहता हूँ तो आंख के रास्ते ज्ञान आकर बता देता है कि ये लाल फूल है, लेकिन इसको खा जाए कि इसको मुंह से चिपका ले, इसकी माला बना के पहन ले, ये काम आंख का है? ये काम आंख का नहीं है, ये काम वासना का है। ज्ञान का काम है जो चीज जैसी है उसको वैसा दिखा देना, ये लाल फूल है, इतना बताना ज्ञान का काम है। लेकिन इस फूल को खाने से श्वेत प्रदर रोग मिट जाएगा, है ना? ये अभी तभी बताना काम हुआ भाई बेटा, है ना? और इसको देखते ही किसी के मन में ये बात आई कि इसको हम खा जाए, है ना, तो खाने की वासना हुई। खाने की वासना आंख के ज्ञान में नहीं होती है, मन में बैठी हुई होती है। तो जो ज्ञानी पुरुष सृष्टि को देखते हैं उनको ज्ञान तो होता है, ये मिट्टी है, ये पानी है, ये आग है, ये हवा है, ये स्त्री है, ये पुरुष है, है? परंतु वासना जो है उस योग में वासना नहीं होती है। जो भी निर्वासन हो जस्य, खाने के समय खा लिया, पीने के समय पी लिया, तो सयानो गीत निद्रस्य निहित इंद्रियवान अति, ये नहीं समझना कि लंगड़ा है इसलिए चलता नहीं और लूला है इसलिए करता नहीं, बोला, और अंधा है इसलिए देखता नहीं, जिंदा है इसलिए बोलता नहीं, इंद्रियवान अति उसकी सारी इंद्रियां जिंदा है और फिर भी चेष्टा नहीं कर रहा है। अब समुद्र से क्या सीखा है सब बताते हैं। मुनि प्रसन्न गंभीर दुर्विगा जो गुरप्य अनंत चारो यक्षोभ्यारणव, महात्मा कैसे रहता है बोले समुद्र की तरह, समुद्र से ये सीखा है। मुनि ही वो कुली है, मौन है, प्रसन्न गंभीर है, देखने में अत्यंत निर्मल, लेकिन गहराई कितनी, जल में निर्मलता कितनी कि जैसे तल दिख जाएगा लेकिन गहराई कितनी। दुर्विदा क्या कोई कहे कि हम जाके नीचे डुबकी लगा के ले आवे, डुबकी नहीं लगा सकता, दुर्विदा किया और दुरंते बोले पार चले जाए क्या, नहीं लांग भी नहीं सकते। अनंत पारा, नाप तौल करना बड़ा कठिन, उसका अंत नहीं पार नहीं। अक्षोभ्या, कितनी नदियां गिरे आकर के शुद्ध नहीं। और तीन तेरह जैसे शांत जल वाला समुद्र है, न ज्वार न भाटा, अपने स्वरूप में स्थित जैसे समुद्र, ऐसे महात्मा पुरुष मौन रहता है, प्रसन्न गंभीर रहता है, उसके दिल की खास किसी को नहीं मिलती, उसका अतिक्रमण कोई नहीं कर सकता, उसके अंत के पार को पाना कठिन है, क्योंकि वो परमात्मा से एक है और संसार के विषय भोग आकर के उसके चित्त में शोध करने में समर्थ नहीं है। और एक दूसरी शिक्षा बताते हैं समुद्र में, समृद्ध का मोही नोवा नारायण करो मुनि लोक करते तन दुष्येत सरितागर। समुद्र में वर्षा ऋतु में आकर के कृष्णा कावेरी महानदी गंगा ब्रह्मपुत्र सिंधु सब इस देश के और दूसरे देशों के जो नद हैं नदियां हैं वे आकर के गिरते हैं, लेकिन समुद्र में बाढ़ नहीं आती, लोग करते तो। और गर्मी के दिनों में नदियों की बाढ़ कम हो जाती है तो समुद्र सूखता नहीं है। जैसे नदियों के आने से समुद्र बढ़ता नहीं है और नदियों के न आने से समुद्र घटता नहीं है, इसी प्रकार महात्मा के पास बहुत सारी चीजें आ गई, समृद्ध का महा बहुत सारी भोग की सामग्री उसके पास आ गई, तो वो समुद्र की तरह बढ़ा नहीं, अभिमान नहीं हुआ कि मैं भोग से बढ़ा हूँ। भाई महात्मा का बड़प्पन इससे होता है कि उसके पास कुछ नहीं है, ऐसा उसके पास बहुत कुछ है ये उसका बड़प्पन नहीं है, वो तो पेट का बड़प्पन है, पेट का बड़प्पन है भाई, एक करोड़पति नहीं अरबपति है, है ना? इसके एक मकान नहीं देश भर में 10 मकान है, है? सोना चांदी इसके पास बहुत है, ये देश का बड़प्पन है ना?
तो अभिमान साधु में नहीं आएगा। समृद्धि आई बोले अरे जो चीज हमारे पास नहीं आनी चाहिए थी सो आ गई हो, और नहीं आई तो नहीं आई तो न सुख से आए हमारे पास ये चीज नहीं आई, ये चीज नहीं आई, ऐसा हमारे सत्र नहीं, ऐसा हमारे समर नहीं, ऐसा सिंहासन नहीं है, क्या उससे हमारे अंदर कोई हीनता आ गई, राम राम धरती में बैठना पड़ा, कहने धरती में बैठने से उसमें हीनता नहीं है, और भोग की समृद्धि होने से उसमें बड़प्पन नहीं है। क्यों नहीं है? नारायण परा, वो तो नारायण परायण है ना, नारायण में बैठा है, नारायण होकर बैठा है, उसको इन दुनिया की चीजों के आने जाने से क्या मतलब? तो समुद्र से ये शिक्षा ली है। अब पतंगे की बात बताते हैं। दृष्ट्वा प्रियं देवमायां तद्भावैरजितेन्द्रियः त्रिलोकितः पतत्यन्दे तमस्यग्नौ पतंगवत् ज्योतिर्हिरण्याभरणाम्बरादिद्रव्येषु माया रचिते सुमुघः प्रलोभितात्मानुपभोग बुद्धिया पतंगवत् नश्यति नष्ट दृष्टिः। पतंगे की बात तो बहुत मशहूर है, इसको संस्कृत में बोलते हैं शलभ, उर्दू में पहले बहुत देर पड़े थे जिसमें परवाने की बात आती है ना, परवाना, वो दिए पर महाराज दिए की लौ पर इतना लुभा जाता है कि मरने का उसको ख्याल नहीं देता, बस उस पर जाके लौ पर गिरा और मर गया। उन्हें दृष्ट्वा प्रियं देवमायां, ये महाराज देवताओं की ऐसी माया है, इंद्रियों ने एक ऐसी माया रची है, ईश्वर ने एक ऐसी माया रची है, ईश्वर ने कहा कि सब इकट्ठे हमारे पास आ गए तो बड़ी भीड़ भाड़ हो जाएगी, एक देव माया रच करके सामने रख दी, ये दिए की लौ, ये स्त्री के लिए पुरुष और पुरुष के लिए स्त्री, है ना, ये शरीर की दृष्टि से बताया। तद भावी रजितेन्द्रिया, स्त्री के हाव भाव कटाक्ष देख करके और इस देव माया रूप दीप शिखा को देख करके अजितेन्द्रिय जो पुरुष है वो प्रलोभित हो जाता है, जो जितेन्द्रिय नहीं है, जिसकी इंद्रिया वसने नहीं है वो प्रलोभित हो जाता है, और जैसे फतिंगा आग की लौ देख करके, दिए की लौ देख करके और कूद पड़ता है उस पर, असल में वो रोशनी में नहीं कूदता है, वो तो अंधकार में कूदता है, क्यों कि मर जाएगा तो धुआं ही तो बनेगा, आग ही तो बनेगा। इसी प्रकार जो स्त्री पुरुष संसार के सौंदर्य माधुर्य को देख करके और अपनी मृत्यु का ख्याल न करके लुभाय करके इंद्रियों के बस में तो करके उसमें कूद पड़ते हैं, उनकी गति पतंग तरीकी होती है। बोले बाबा पतंग से मैंने यही सीखा है कि रूप के जाल में मत फंसना। जो सुधिरण्याभरणाम्बरा विद्रव्येषु माया रचितेषु मूढा, स्त्री सोना आभूषण वस्त्र आदि जो संसार के पदार्थ हैं ये माया की रचना है, माया की कारीगरी है। इसमें जब मनुष्य मूढ़ हो जाता है और उसका मन लुभा जाता है और उसका उपभोग करने के लिए मनुष्य इसके पास जाता है, तब इसकी दृष्टि नष्ट हो जाती है, आंखें पहले चली जाती है और उसके बाद पतंगवत नश्यति, पतंग का जैसे नाश हो जाता है वैसे उसका नाश हो जाता है। अब मधुकर की चर्चा करते हैं, माधुकरी वृत्ति साधुओं में तो बहुत प्रसिद्ध है, भोजन कैसे करना बोले, भैक्ष्यम पंचविधम स्मृतम, पांच प्रकार की जो भिक्षा है, गृहस्थ लोग तो माधुकरी का नाम ज्यादा सुनते हैं, वैसे पांच प्रकार से भिक्षा होती है, अजाचितम असंकृप्तम तात्कालिकम जदृच्छया, और जदृच्छोपन्नम च ऐक्यम पंचविधम स्मृतम माधुकरम असंकृप्तम तात्कालिकम अयाचितम। तो ये बताते हैं माधुकरम, जैसे भौरा घूम घूम करके एक भिक्षा की शैली है, एक तो गुना मांगे जो मिल जाए,
अयाचितम का एक तत्काल जो उपस्थित हो जाए नेता मिल जाए है ना ऐसे, और एक बोले मधुकर की तरह जिनसे भौरा फूल फूल पर गया और थोड़ा थोड़ा रस वहां से ले आया, एक कमल का रस भौरा नहीं पीता है। क्यों नहीं पीता है कि भौरा का कमल से बहुत प्रेम है, तो प्रेम है तो एक में फंस जाना चाहिए, कि फंस जाए तो मर ही जाएगा है ना, तो रात को जब कमल बंद होगा तो उसमें वो भी कैद हो जाएगा। तो बोले भाई ये कमल पर भिन्न भिन्न कमल से रस लेना ये जो भौरे का स्वभाव है ये क्या है? बोले अहिंसम आप स्थित किसी भी कमल पर से भौरा जो रस लेता है तो कमल को चोट नहीं लगती, कमल की पंखड़ी तो घायल नहीं हुई और भौरा वहां से रस लेकर के दूसरे पर चला गया, वहां से रस लेकर के तीसरे पर चला गया। इसी प्रकार महात्मा को अवधूत को चाहिए कि शोकम शोकम ग्रसेत ग्रासम, थोड़ा थोड़ा ग्रास सबसे ले रहे, किसी के ऊपर भार न बने, देहो वर्ते हित जावता, कितना लेना जिससे जीवन का निर्वाह हो जाए। गृहान अहिंसन आतिष्ठे, घरों में जाए पर किसी को घायल न करे, किसी को चोट न पहुंचावे, दुख नहीं पहुंचावे, किसी को माधुकरी वृत्ति कहते हैं और किसी वृत्ति से भोजन करना रहना महात्मा लोग पसंद करते हैं। तो माधुकरम असंसुंदरतम, पहले से संकल्प नहीं करे कि कहां जाके क्या खाना है, असंसुंदरतम और तात्कालिकम अजातितम और जटित क्षयोपन्नम च, जब जैसा मिल जाए उसके अनुसार पांच तरह की भिक्षा होती है। अनुभ्यस्य महाभ्यस्य शास्त्रे व्यक्तलो नर सर्वतकारद्याद, ये बताते हैं कि भौरे से एक दूसरी बात मैंने और भी सीखी है, तो वो क्या है, जब जैसे भौरा सब जगह से तार ले लेता है, सब फूलों से तार तार ले लेता है, कौन फूल काला है, कौन पीला है, कौन लाल है, इसके चक्कर में नहीं पड़ता। ऐसे महात्मा पुरुष जो है वो छोटी पुस्तक भी पढ़ता है, बड़ी पुस्तक भी पढ़ता है, अणुशास्त्र भी पढ़ता है और मत शास्त्र भी पढ़ता है, दोनों शास्त्रों को पढ़ करके जो कुशल व्यक्ति है सब जगह से तार तार ले लेता है, किसी ग्रंथ की ग्रंथि में नहीं फंसता है, ग्रंथ भी एक ग्रंथि है, वो गा है, मनुष्य उसमें बस जाता है। इसी से भागवत में देखो निर्ग्रंथा आपके रूप में, निर्ग्रंथा माने उन जिसको ग्रंथ की जरूरत नहीं है, ग्रंथ का पक्षपात नहीं है, सब जगह से साफ साफ जो बढ़िया बात है वो सब जगह से लेने के लिए राजी। सायं तनम स्वस्तनम वा न संग्रहणीत विक्षिताम पाणिपात्रो ग्रामत्रो मक्षिकेवन संग्रही, सायं तनम स्वस्तनम वा न संग्रहणीत विक्षुका मक्षिका इव संग्रहणं सहसेन विरस्यति। तो ये मधुकृत को जो गुरु बताया, तो एक तो मधुकर हुआ भौरे भौरा से शिक्षा ली, और दूसरे ये जो मधु इकट्ठा करने वाली मधुमक्षिकाएं हैं ना उनसे शिक्षा ली, क्या ली, तो सायं तनम स्वस्तनम वा न संग्रहणीत विक्षितम, भिक्षा में मांगी हुई जो चीज है उसको शाम के लिए दोपहर को मांग के लिए आए और बोले शाम के लिए रखेंगे, शाम को मांग के ले आए तो सुबह के लिए रखेंगे, इस प्रकार उसका संग्रह नहीं करना चाहिए। तो भिक्षुक विरक्त भिक्षुक के पास क्या होना चाहिए, तो पानी का क्रोधरा मत्रहा, हाथ की तो थाली हो गए पानी पात्र, और उधरा मत्रहा पेट का मटका हो गए, ये अमत्र शब्द है ना, अमत्र अमत्र में से अ का लोप कर दो तो मत्र रह गया ना, तो मत्र का मटका बन गया, पानी पात्रो धरा मत्रहा, हाथ की थाली और पेट का मटका, इतने से ही गुजर कर ले, मक्ष के वन संग्रही, ये संग्रह करना तो मक्खी का काम है ना, राम राम ऐसे
ये संग्रह करना तो मक्खी का काम है, मक्खी के वन संग्रही, मक्खी की तरह संग्रह नहीं बनना चाहिए। बोले संग्रह करेंगे तो क्या होगा? बोले सायम तनम स्वतनम न संग्रहणी तो भिक्षुका, दुरक्त भिक्षुक को सायंकालीन अथवा प्रातःकालीन भोजन का संग्रह नहीं करना चाहिए। यदि मक्खी की तरह संग्रह करेगा शिक्षा तेन विनश्यति, जैसे मक्खी अपने संग्रह किए हुए मधु के साथ ही मर जाती है, वैसे ही उन्हें भी मर जाना पड़ेगा, माने परमार्थ से च्युत हो जाना पड़ेगा। पदापि युवतीं भिक्षुर न स्पृशे कारणीमति, स्पृशन करीव पद्येत करेणिया अंग संगतः, नाधिगच्छे स्त्रियं प्राज्ञः करहितिन मृत्युमात्मनः, बलाधिकै सहन्येत गजैरन्यैर्गजो यथा। अब हाथी से जो सीखा है सो बताते हैं। ये पांचों का वर्णन पुराणों में एक साथ ही आता है, तुरंग मातंग पतंग भृंग मीना, हता पंचभिरेव पंच एक प्रमादी सततम नहन्यते सेवते पंचभिरेव पंच। हरिण जो है, हरिण जो है जब वो मीठी मीठी आवाज सुनता है शिकारी का की गाई हुई, तो आवाज सुन के हरिण फंस जाता है। और लकड़ी की हाथी बना करके महाराज हथिनी लकड़ी की, और ऐसा चक्कर में डालते हैं कि हाथी फंस जाता है, और सिखाई हुई हथनी ले जाते हैं और उसके शरीर से आके अपना शरीर रगड़ता है हाथी, और उसमें फंस जाता है। स्पर्श में हाथी फंसता है, शब्द में हरिण फंसता है, और रूप में फतुंगा फंसता है, ये जो दीपक में जलता है, और महाराज स्वाद में मछली मछली फंसती है, और गंध में भौरा फंसता है। बोले एक ही विषय में आसक्ति होने के कारण ये पांचों संसार में फंस जाते हैं, और ये प्रमादी मनुष्य अकेले ही पांचों में आसक्ति रखता है। तो एक प्रमादी, एक प्रमादी मनुष्य, उसको शब्द भी चाहिए, स्पर्श भी चाहिए, रूप भी चाहिए, रस भी चाहिए, गंध भी चाहिए, तो ये पांचों में आसक्त जो है वह कथन महान्यते जस्ते पंचवीरेव पंच, जो अपनी पांचों इंद्रियों के द्वारा पांचों के सेवन में लगा हुआ है वो भला कैसे नहीं मारा जाएगा। तो ये बताते हैं कि जो विरक्त भिक्षु है उसको अपने पांव से भी लकड़ी की बनी हुई भी युवती स्त्री का स्पर्श नहीं करना चाहिए। यदि वो करेगा तो जैसे हाथी हथिनी के लकड़ी की हथिनी के अंग संग से भी बंधन में फंस जाता है, ऐसे वो बंधन में फंस जाएगा। नाधिगच्छे स्त्रियं प्राज्ञः करहितिन मृत्युमात्मनः, जो विद्वान विरक्त विक्षुक है उसको अपनी मृत्यु रूपा जो स्त्री है उसका समागम नहीं करना चाहिए, क्योंकि अधिक बल वाले जो है वो जैसे अधिक बल वाला हाथी अल्प बल वाले हाथी को मार करके उसे छीन लेता है, वैसे दूसरा व्यक्ति उसको मार डालेगा। अब मधुहा से माने शहद निकालने वाले से क्या सीखा है वो बताते हैं। न केयम लोकभोग्यम च लुब्धे यद्दुःख संचितम् घुमते कदपि तच्चान्यो मधुहेवार्थगुन मधु, त्याग भोग विहीनो फल संचया परगामी भवती। धन तो बहुत इकट्ठा किया लेकिन न तो दान किया और न तो भोग किया, वो क्या होगा उसका? बोले वो दूसरे के पास जाएगा। त्याग भोग विहीन धन संचया परगामी भवती, जिस धन का त्याग नहीं किया जाता और भोग नहीं किया जाता वो दूसरों के हाथ में पड़ता है, ये धन के संबंध में नियम है। पंचतंत्र में एक श्लोक आता है, दानम भोगो नाशः,
विश्रोगतये भवन्ति वित्तस्य। धन के केवल तीन नतीजे हैं, दान करो, भोग करो, या तो नष्ट हो जाने दो। जो नदा आती नोते, जो अपने हाथ से देता नहीं और भोग करता नहीं, तब चित्र दी या जत्र भवती है ना, उसके लिए तीसरी गति माने नाश, उसके धन का नाश ही बदाए दूसरों के हाथ लगेगा। खुद तो कह रहे हैं हमारे खाने को नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं है, है ना, मांगते जाते हैं, कमाते जाते हैं, इकट्ठा करते जाते हैं, अंत में ऐसे लोगों के हाथ लग जाता है महाराज, बड़े बड़े देश जिंदगी भर पशु की तरह कमाते रहे, बिजी है रात में दिन में, है ना, शौचालयों में टेलीफोन लगा के लोग रखते हैं। ये बात सूझी नहीं, कल्पना की नहीं, बम्बई की है, सच्ची है ना, कि लोग शौचालय में भी टेलीफोन का कनेक्शन रखते हैं, वहाँ भी शांति से नहीं बैठ सकते, सोते हैं तो वहाँ भी दो चार आस पास, मगर इतना परिश्रम, इतना ख्याल, इतनी फिक्र जिस चीज के लिए की उसके कुछ मजा तो ले लो, दूसरे को दे करके सुखी हो लो। करोड़ कमाने का जैसे सुख लिया, वैसे करोड़ का ट्रस्ट बनाने का सुख ले लो, करोड़ कमाने में जैसे सुख है वैसे करोड़ देने में भी तो सुख है ना। अच्छा भाई, दो मत किसी को, मत मानो किसी की सलाह, खुद भोग कर लो अपने हाथ से, उसका भोग तो कर लो, पता नहीं आगे उसका क्या रूप बनेगा। तो इसकी दशा क्या होती है कि जो धन दिया नहीं जाता और भोगा नहीं जाता और लोभी लोग बड़ा सुख करके उसको इकट्ठा करते हैं, उसको महाराज दूसरा कोई भोग लेता है, या और कोई बलवान छीन लेता है, चोर ले जाता है, सरकार ही ले जाती है, दूसरे के हाथ लगता है। तो भाई ये कैसे उनको मालूम पड़ जाता है कि अर्थव्यवस्था जो पैसे की खोज में रहते हैं वो पता लगाए लेते हैं कि किसका पैसा कहाँ है। ये जेब मार जेब काटने वाले होते हैं ना महाराज, आप स्टेशन पर जाओ, रेलगाड़ी में जाओ, वो आपकी शक्ल देख के पता लगा लेंगे कि आपने अपना पैसा सामने वाले जेब में रखा है कि बगल वाले में है, अंतिम है, वो शक्ल देख के पता लगा लेते हैं। मनुष्य जहाँ पैसा रखने होता है ना, वहाँ उसका हाथ बार बार जाता है, उसकी आँख बार बार जाती है, वो देखते हैं कि कहाँ बार बार देखता है, कहाँ इसका बार बार हाथ जाता है और पता लगा देते हैं। तो अर्थविद जैसे ब्रह्म को ढूंढने वाले लोग जो है ना, बड़ी गहराई में छिपे हुए ब्रह्म का पता लगा लेते हैं, वैसे ये धन को चाहने वाले लोग धन का पता लगा लेते हैं। और वो जैसे मक्खी के द्वारा संग्रहित शहद को आ करके मधु ले जाने वाला ले जाता है, बड़े कष्ट से मक्खी इधर उधर से ला करके शहद इकट्ठी करती है, लेकिन अंत में मक्खी के काम नहीं आया, दूसरा कोई निकाल के ले गया, उनके हाथ से बस डंक मारना लगा और शहद इकट्ठा करना लगा, और उनकी कमाई से कोई और ले गया। सुदुखो पार्थिवृत्ति आशा कानाम गृहाधिकः मधुरे वाग्रतो भूंते यतिर्वै गृहवैधिनाम। बोले औरों की तो बात जाने दो, लोग बड़ा परिश्रम करके धन इकट्ठा करते हैं, हम ये खाएंगे, ये खाएंगे, ये खाएंगे, ये करेंगे, आशा पाप सतैर बच्छा सौ सौ आशा के फंदे में फंसे हुए काम क्रोध परायणा। बोले घर के बारे में बड़े बड़े काल बन रहे, ऐसा मकान बनाएंगे है ना, थोड़ा दिमाग बने, इतने रुपए हो जाए तो आधे रुपए का मकान बनाएंगे और फिर ऐसा उसको सजाएंगे और ऐसे उसमें आनंद में रहेंगे। वो महाराज पूरा इकट्ठा करते करते ही नष्ट हो जाता है ना। तो बोले और तो बात करो, मधुरे वाग्र तो घूमते यतिर्वैगृह में दिनाम। ये बाबा जी लोग भी तो नहीं छोड़ते है ना, जैसे मक्खी ने शहद इकट्ठी की और निकालने वाले यहाँ के ले गए, वैसे महाराज घर वालों ने रसोई बनाई और बाबा जी आके पहले ही खा गए है ना। अभी बच्चे घर के नहीं खाए, भूखे हैं, घर वालों ने नहीं खाया, बोले ये बाबा जी कहाँ से टपक पड़ा महाराज, ये तो घर की
घर में जो बढ़िया रसोई बनी थी उन्हें वही खा गया पहले। तो ये तो बच्चे भी कहने लगते हैं कि हम भी बाबा जी होते तो हमको भी पहले रसोई मिलती और बढ़िया मिलती और अच्छी मिलती। ग्राम गीता मृण याद यसर वनकर अत्यधित शिक्षित हरणार बद्धान मृगयोर गीत मोहिता। तो वन में रहने वाले यति को ग्रामीणों के जो गीत हैं, अश्लील गीत, श्रृंगार संबंधी, विषय संबंधी जो गीत हैं, उनका श्रवण नहीं करना चाहिए। उसको सीखना चाहिए कि शिकारी के गीत से मोहित होकर के हरिण किस प्रकार बज जाता है। ये बात हरिण से सीखी है। नृत्य बावित्र गीतानि दिशन ग्राम्याणि घोषितानि आसान क्रीजन को वत्या हरिष्य श्रृंगो मृगी सुता। हरिण को गुरु बनाया जब तो हरिष्य श्रृंग की भी याद आ गई। हरिष्य श्रृंग की कथा वाल्मीकि रामायण में बहुत बढ़िया आई है। महाराज जंगल में बालक रहता था और उसने देखा ही नहीं था कि स्त्री कैसी होती है ना। जब उसके पास अप्सराएं वेश्याएं भेजी गई, अप्सराएं भेजी गई तो वो बोला कि तुम लोग भी ब्रह्मचारी हो, किस आश्रम में रहते हो, है ना, कैसे वेद का स्वाध्याय करते हो, तुम्हारी जगह तो बड़ी चिकनी है, हमारी तो रुकी रुकी है ना। ऐसे उस बिचारे को पता ही नहीं था कि तुम्हारा शरीर तो बड़ा कोमल है, हमारा इतना कोमल तो नहीं है, है ना। अब उस शरीर का विवेक करने लगा और फिर तो बोले हमारा भजन पूजन हमारा अग्नि हो तो दूसरे ढंग का होता है ना। अब वो भोजन लड्डू बनाए चले गए खाने को, तुम क्या कंदा खाते, कंद मूल फल खाते हो, देखो हम लोग जिस देश में रहते हैं वहाँ ऐसा कंदमूल होता है लड्डू, वहाँ का कंदमूल फल ये है। और नाचा बजाया गाया और ऋषि श्रृंग बेचारा मोहित हो गया, उनका खिलौना क्रीजनक बन गया, खिलौना बन गया, उनके अधीन हो गया। तो उससे हमने ये शिक्षा ग्रहण की कि ये जो संसारी नाचना गाना बजाना जो ये ग्राम में चेष्टाएं हैं कहीं उसे दूर रहना चाहिए। अब वो बताते हैं कि मछली से क्या शिक्षा ग्रहण की है। जह गया तो प्रमातिन्या जनो रस विमोहित मृत्यु मृत्य तक बुद्धिर कवि था इंद्रियाण जयंती आसु निराहारा मनीषिण वर्जय्वा तुरतनम तन निरन्न वर्धते पावस्थिते इंद्रियो न सीजितान्द्रिय पुमान न जयेद रतनम जावत जितम सर्वम जिते रथे। अब मछली से क्या सीखा, मछली से ये सीखा, देखो महाराज घूमते ही रहते थे ना, देखा कहीं नदी के किनारे घूम रहे हैं और वहाँ एक आदमी ने अपनी धमकी में कटिए में कांटे में कीड़ा का फसाए करके और डाल रखा है पानी के अंदर। थोड़ी देर में मछली आई और मछली ने उस कीड़े को मुंह में लिया तो वो कांटा जो है उसके मुंह में चुभ गया और वो फंस गए। बोले अरे ये मछली तो पानी में स्वच्छंद विहार कर रही थी, सरोवर में स्वच्छंद विहार कर रही थी, बड़ी सुखी थी, ये फंसी कैसे। बोले ओ नो जीव के कारण फंसी है, जीव के कारण फंसी। ये जीव कैसी, जया प्रमातिनिया जनो रस विमोहित। ये जिह्वा जो है वो अत्यंत प्रमाथिनी है, मत देती है सारे मन को, सारे मन को मत देती है। शरीर का मंथन जैसे काम से होता है, कामना से शरीर का मंथन जैसे होता है, जिह्वा को भी शरीर का मंथन वैसे ही होता है, अत्यंत मंथन कारण है। हमारे एक पुराने जमाने में रामपुर के नवाब थे, उसको रोग हो गया था सूखने का, हो जी पर पानी नहीं, बोले गला सूखा जाए, मुंह सूखा जाए, मुंह सूखा जाए। हकीमों ने दवाई दी, डॉक्टरों ने भी दवाई दी, वो अच्छा ही ना हो, मुंह सूखा। तो एक वैद्य थे वो गए, बोले कि हम अच्छा कर देंगे। वो हंसी उड़ाने लगा कि तुम क्या अच्छा करोगे,
इतने बड़े बड़े डॉक्टर और हकीम फेल हो गए, उनसे भी अच्छा नहीं हुआ तो तुम कैसे अच्छा करोगे। तो बोले कि अच्छा, उन लोगों ने दवा दिया और तुम्हारा मुंह गीला नहीं हुआ ना, हम बिना दवा दिए तुम्हारे मुंह को गीला रखेंगे। अब महाराज वहां से हाई स्कूल में नवाज साहब को ले गए और वहां सैकड़ों नींबू और उमली ऐसी चीजें मिलाई और काट काट करके बच्चों को दे खाने के लिए, और नवाज साहब बैठे देखा करें। थोड़ी देर में उनका मुंह गीला हो गया। तो ये पानी कहां से आया मुंह में? ये गेंदबाज, ये शरीर में मंथन होकर के, शरीर में मंथन होकर के गेंदबाज पर पानी आता है, मुंह में पानी आता है। जैसे दूध दही का मंथन करो तो मक्खन निकल जाता है ना, ऐसे ये खाने की वासना जब शरीर में मंथन करती है तो शरीर का मक्खन पानी निकल के आ जाता है मुंह में। गेंदया विक्रमा धिन्या, ये मथानी है, जीव जो है वो मथानी है। जनोरस विमोहित, और ये संसारी जीव रस से मोहित हो गए हैं। मृत्यु मृत सब जैसा विदुर मीन तू गढ़ी सही जता, किस असद बुद्धि पुरुष जिसकी बुद्धि संसार में फंसी हुई है, असती है, वो पुरुष किसी जीव के वश में होकर के मृत्यु तक को प्राप्त होता है। अमित आदमी को जानते हैं हमारे डॉक्टर ने, कह रखा था कि तुम मछली अपने जीवन में कभी मत खाना, मैंने बीमार आदमी का पांडु रोग उसको हो गया था। डॉक्टर ने कह दिया था कि तुम मरोगे उस दिन जिस दिन मछली खाओगे। कह रखा था कि तुम मछली अपने जीवन में कभी मत खाना, मैंने बीमार आदमी का पांडु रोग उसको हो गया था। डॉक्टर ने कह दिया था कि तुम मरोगे उस दिन जिस दिन मछली खाओगे। अब उस क्षत्रिय था, उसको मछली खाने की आदत है ना, दो महीने तीन महीने छह महीने उसने अपने को रोका, बिल्कुल ठीक हो गया। जब बिल्कुल ठीक हो गया तब उसके मन में आई कि अब तो मैं ठीक हो गया, मछली खाने में क्या आ रहा है, और उस दिन तक मछली खाई और मर गया। उसी दिन मरा जिस दिन मछली खाई। नीरस तू बड़ी सही था, तो जैसे मृत्यु क्षति मर जाता है आदमी को, अनेक रोग केवल असंयम के कारण होते हैं, केवल जज्बा के कारण होते हैं। बिना खाए संसार में कम लोग मरते हैं और खाने से होने वाले जो रोग हैं उनसे ज्यादा लोग मरते हैं। अब इंद्रिय विजय के मार्ग में देखें, इंद्रियां जयंत्यासु निराहारा मनीषिण वर्जय स्वातु रसनम सन्नरन्नस्य वर्धते। ये जीव मरा जो है सब काटा रज्जु है, दोनों ओर ठंडा है ऐसी रज्जु है। कच्चा भाई तो खाना छोड़ दो, बोले भोजन छोड़ दोगे तो और सब इंद्रियों की प्रवृत्ति कम हो जाएगी, बोलना कम हो जाएगा, देखना कम हो जाएगा, चलना कम हो जाएगा और सब भोग कम हो जाएंगे। ये तो ठीक है, जल्दी से जल्दी इंद्रियों पर विजय प्राप्त हो जाएगी अगर भोजन छोड़ दोगे तो। बोले तो क्या कर, तो इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने का बड़ा अच्छा तरीका। बोले कि तरीका नहीं, इससे खाने की वासना और बढ़ेगी, भोजन छोड़ने से भोजन की वासना और बढ़ती है। तन्नरन्नस्य वर्धते, क्या तो इंद्रिय तो सुख की बात हो बस में रहेगी नहीं। यदि भोजन छोड़ दोगे तो दूसरी इंद्रियों की जीत तो हो जाएगी लेकिन जीवता जीत में नहीं आएगी, और यदि खाओगे तो रसा शक्ति और बढ़ेगी, जीवता बस में नहीं होगी, और फिर जीवता बस में नहीं होगी तो सारी इंद्रियों में शुभ होगा, क्योंकि भोजन न करने से तो जीवता की वासना और बढ़ती है। तो तब क्या करना चाहिए? तावत जितेन्द्रियो न सिया विजिता इंद्रिय कुमान न गएत रचनम जावत जितान सर्वान जिते रसे। न तो भोजन, न तो रसा शक्ति को बढ़ाओ और न तो भोजन को बंद करो। जीव को मारो मत, जीव को बस करो, जीव को धरो मत और जीव को मारो मत। जो जो जीव मांगे सो सो जीव को मत दो, और बिल्कुल देना बंद भी मत करो। नियम से जीव को दो, ये चीज धर्म के अनुकूल है, ये पवित्र है, ये यज्ञ है। ये सोचते नहीं कि ये बहुत भली चीज है ये खाना, ऐसे भी नहीं कहा जाता, भोजन का नियम ही नहीं है।
जैसे स्त्री के संबंध में कोई ये नियम नहीं बना सकता ना कि ये बहुत सुंदर बहुत गुड़ौती है ये हमारी हो करे, उससे तो जिसके साथ विवाह होगा वो अपनी स्त्री होगी ना। इसी प्रकार भोजन के संबंध में कि ये चीज बहुत बढ़िया है बहुत सुंदर है बहुत गुणकारी है इसलिए हम खाए, ऐसा नियम नहीं बनाया जा सकता। कर्ता बोले अपने लिए जो उपयोगी है वो भोजन करने का नियम बनाना चाहिए, अपने लिए कब कब खाना कितना कितना खाना क्या क्या खाना ये वक्त में करके जीव की मांगी हुई चीज न दे करके बुद्धि से पहले से निश्चय कर लेना चाहिए। असल में मनुष्य चाहे सब इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ले लेकिन जब तक देवता पर विजय प्राप्त नहीं करता तब तक जितेंद्रिय नहीं हो सकता। जितेंद्रिय तभी हो सकता है जब देवता पर विजय प्राप्त करे, जिताम तरताम जिते रसे। यदि किसी ने स्वाद पर विजय प्राप्त कर ली तो उसने सब इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली। अब एक वेश्या को भी उन्होंने गुरु बनाया, एक वेश्या को भी कुछ सीखा, क्या सीखा उससे, वो पिंगला नाम वेश्या थी। अब उसकी कथा फिर आपको सुनाने में अब आज इतने ही रखें।